दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ प्राचीन काल में 16वीं और 17वीं शताब्दी में, जब इंसान मॉडर्न एरा की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुका था। हमारी एस्ट्रोनॉमी डेवलप होने लगी थी, इंसान समुद्रों के रास्ते दूरी तय करने लगे थे, नई नई जगहों की डिस्कवरीज होने लगी थी, लोग जहाजों पर नेविगेशन करते थे, लेकिन अक्सर वो लोग समुद्रों में अपना रास्ता भूल जाया करते थे। इसी परेशानी को दूर करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई जिसमें हम सूरज और चांद की पोजीशन होराइजन के साथ देखकर दिशाओं का पता लगाते थे। इस डिवाइस को हम बोलते हैं सेक्सटेंट, ठीक है। लेकिन एक परेशानी अभी भी थी कि नेविगेटर्स को बार बार रीडिंग लेनी पड़ती थी, एंगल्स को नापना पड़ता था और कैलकुलेशन करनी होती थी, और इन कैलकुलेशन में हमको काफी बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता था, और जब हम बार बार बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसमें एरर्स के होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास कैलकुलेटर्स नहीं हुआ करते थे। इसी तरह एस्ट्रोनॉमर्स भी परेशान थे, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन में भी काफी बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना होता था, और उस समय की मैथमेटिक्स आज के समय की जितनी डेवलप नहीं थी, तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमको काफी परेशान कर रहे थे। इसलिए कई सारे लोग यह सोचने में लगे हुए थे कि इन मल्टीप्लिकेशन को कैसे आसान बनाया जाए। इसी बीच 1600s की स्टार्टिंग में एक नाम हमारे सामने आया, जॉन नेपियर। इन्होंने एक स्पेशल फंक्शन सामने रखा जिसने हमारे लिए कैलकुलेशन काफी आसान बना दी, और इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथम्स, जिसको आज हम सब जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 × 2 = कितना होता है तो आपका जवाब होगा 4, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 × 2 = कितना होता है तो आपका जवाब होगा 8। इसी चीज को हम पावर सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर 2 = 4, 2 की पावर 3 = 8। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर 156 कितना होता है तो क्या आप माइंड में कैलकुलेशन करके इसका जवाब दे सकते हो? शायद से नहीं। लेकिन क्या हो अगर हम इतनी कठिन कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लें? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कैलकुलेशन के लिए एडिशन मल्टीप्लिकेशन से काफी सरल होता है, तो क्या हो अगर हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करना सीख जाएं? तो ऐसे में हमारे सामने आते हैं लॉगरिथम्स, जैसे कि लॉग ए इंटू बी, यह होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। यानी कि अगर आप दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप उसका लॉग ले लीजिए और दोनों का आपस में एडिशन कर लीजिए, और ऐड करने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग जो भी लॉग की वैल्यू होगी आप उसको टेबल में से देख लीजिए। इसी प्रकार से डिवीजन भी होता है, और ऐसे ही लॉगरिथम्स हमारे लिए तमाम रोल प्ले करते हैं। इनके कई सारे एप्लीकेशन हैं। खैर, एप्लीकेशन की बात हम इस वीडियो में तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप मोटे मोटे तौर पर यह कह सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन का शॉर्टकट होता है, एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट होते हैं, ऐसे ही लॉगरिथम्स एक्सपोनेंट के शॉर्टकट होते हैं। हम में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने नेचुरल लॉग्स के बारे में तो सुना ही होगा, और इनको हम मैथमेटिकली एक काफी ब्यूटीफुल कॉन्स्टेंट के साथ रिलेट करते हैं, और इस कॉन्स्टेंट को हम बोलते हैं ई। इसकी वैल्यू होती है 2.718। जिस तरह पाई की वैल्यू होती है, इसी तरह ई की वैल्यू भी होती है। यह भी एक इरेशनल नंबर है, और आज हम ई और एल एन एक्स को ऐसे रिलेट करते हैं कि ई की पावर एल एन एक्स इक्वल टू एक्स। वैसे आज हम कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स का यूज करके लॉगरिथम्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, लेकिन पहले जब कैलकुलेटर्स नहीं हुआ करते थे तो हम लोग लॉग टेबल्स का यूज करते थे। यह टेबल कुछ ऐसी दिखती है। इसी तरह की एक टेबल पहली बार ईयर 1614 में पब्लिश की गई एक मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर जॉन नेपियर के द्वारा। हालांकि हैरानी की बात यह है कि उस समय तक कोई भी ई के बारे में नहीं जानता था, और ना ही उन्होंने एक्सपोनेंट्स के बारे में सोचा, बल्कि उन्होंने एक ऐसी चीज को डिफाइन किया जो कि लॉग बेस ई के सिमिलर थी। इसके लिए उन्होंने मूविंग पॉइंट के काइनेमेटिक्स का यूज किया, जिसको आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जहाजों को प्रॉब्लम हो रही थी, एस्ट्रोनॉमी में मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम आ रही थी, तो एक तरीका तो ये था कि हम इनको एक्सपोनेंट में चेंज कर लें, जैसे 2 की पावर a × 2 की पावर b = 2 की पावर a + b, ऐसे ही डिवीजन में। लेकिन दिक्कत क्या थी कि उस समय तक लोग इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, ना ही वो एक्सपोनेंट्स के बारे में जानते थे, ना ही वो बेस के बारे में जानते थे। लेकिन आर्किमिडीज के टाइम से ही लोग थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस और सीरीज के बारे में अवेयर होने लगे थे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दो सीरीज दिखाता हूँ, पहली 2, 4, 8, 16, 32 और दूसरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पहले वाले सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी बोलते हैं। इसमें अगर आप दो कंसेक्यूटिव नंबर को आपस में डिवाइड करते हो तो आपको एक कॉमन रेशियो मिलता है। जैसे कि आप 4 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 2, 8 को 4 से डिवाइड कीजिए तो भी 2, यानी कि इस जीपी सीरीज में कॉमन रेशियो 2 है। और दूसरी वाली सीरीज को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। इसमें हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1 है, दो नंबर के बीच में 1 नंबर का डिफरेंस है। अब लोगों ने यह नोटिस किया कि अगर हम जीपी में किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एपी सीरीज होगी उनके नंबर्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेट किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि इन दोनों सीरीज के स्टार्टिंग के हम दो टर्म्स को लेते हैं, तो क्योंकि यह दोनों एपी और जीपी सीरीज हैं, तो अगर आप 2 और 4 को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर होगा 8। ऐसे ही अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग एपी सीरीज में 1 + 2 करते हो तो आंसर होगा 3। और जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना है, 2, तो अगर आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाता है 8, यानी कि 2 की पावर 3 = 8। देखिए कितना ब्यूटीफुल रिलेशन। खैर, आज हम इस चीज के बारे में काफी अच्छे से जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन उस समय के लिए ये नई चीज थी। तो नेपियर्स एक ऐसी टेबल बनाना चाहते थे जिसमें नंबर्स के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के संग
डिलीट कर दिया जाए और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को इजी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बदल दिया जाए। अब हम जानेंगे कि यह रिलेशन उन्होंने कैसे सेट किया, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले उन्होंने एक इनफाइनाइट डिस्टेंस की लाइन ली ए बी। इस लाइन ए बी में एक पॉइंट मौजूद है पी, और वह मूव कर रहा है जिसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि इसकी स्पीड कम होती जाती है जैसे जैसे बी की तरफ अप्रोच करता है, यानी कि ये पॉइंट पी कभी भी बी तक नहीं पहुंच सकता। तो इस पॉइंट की स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है कि जितना डिस्टेंस बचा हुआ है। अब सपोज आप एक रेगुलर टाइम इंटरवल मान लीजिए 1 सेकंड। 1 सेकंड में आप डिस्टेंस को मेजर करते जाते हो कि कितना डिस्टेंस रह गया है बी की तरफ पहुंचने में। तो हर एक सेकंड में आपको एक नंबर मिलेगा जो कि एक डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज फॉर्म करेगा, और आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो कि डिस्टेंस के बढ़ने से स्पीड कम हो रही है तो जो सीरीज फॉर्म होगी वो भी एक डिक्रीजिंग सीरीज ही होगी। अब हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के संग कैसे लिंक करेंगे, तो देखिए मैंने एक दूसरे डायग्राम में लोकेशन के कुछ पॉइंट मार्क किए हैं x1, x2, x3, x4। x1 p की लोकेशन है 1 सेकंड बाद, x2 पॉइंट p की लोकेशन है 2 सेकंड बाद, और ऐसे ही आगे ये पॉइंट p की लोकेशन बताते हैं टाइम इंटरवल t सेकंड के बाद। इनके बीच में टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकंड, और पॉइंट b की तरफ जाने से ये कंटिन्यूसली स्लो हो रहा है, और क्योंकि पॉइंट p कभी भी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता तो लाइन a b के बीच में इनफाइनाइट इंटरवल्स बन सकते हैं। और इंटरवल्स क्या है, x1 x2 x3 ऐसे ही इनफाइनाइट इंटरवल्स हो सकते हैं इस लाइन a b के बीच में। अब आप यह भी इमेजिन कीजिए कि यह इंटरवल्स इक्वल लेंथ में स्ट्रेच होंगे, और पॉइंट पी को अभी भी 1 सेकंड ही लगेगा हर एक इंटरवल को क्रॉस करने के लिए। तो भले ही पॉइंट पी की स्पीड यूनिफॉर्म ना हो, लेकिन हमने इनफाइनाइट इंटरवल्स को ऐसे डिस्टेंस पर मार्क कर दिया है कि एवरेज स्पीड हर एक इंटरवल में सेम होगी और वह इक्वल लेंथ को कवर करेंगे। और यह सब अजम्पशन करने के बाद जो हमको सिक्वेंस मिलेगा 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड टाइम पीरियड में, वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज को फॉर्म करेगा। अब इसके बाद नेपियर ने ए बी लाइन के पैरेलल एक इनफाइनाइट लेंथ की लाइन अज्यूम की जिस पर एक पॉइंट क्यू मौजूद है, और पॉइंट क्यू भी पॉइंट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है लेकिन इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। स्टार्टिंग में पॉइंट पी और पॉइंट क्यू की स्पीड तो सेम होती है, लेकिन पॉइंट क्यू यूनिफॉर्म स्पीड के संग बी के बियॉन्ड इन्फिनिटी तक जा सकता है। अब नेपियर ने इन सब के द्वारा लॉगरिथम्स को डिफाइन किया। उन्होंने ये डिफाइन किया कि समय के एक डेफिनेट पॉइंट पे डिस्टेंस जो कि क्यू कवर कर चुका है वो लॉगरिथम है उस डिस्टेंस का जो कि पी के द्वारा कवर करना भी बाकी है। इसको अभी हम मैथमेटिकली भी समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इससे पी की जर्नी के जितने भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वह क्यू की जर्नी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिंक होते हैं। नेपियर ने इस लाइन सेगमेंट की लेंथ एबी को काफी बड़ा माना, 10^7 यूनिट। उन्होंने इतनी बड़ी वैल्यू को एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन को ध्यान में रखकर लिया है जिससे कि एक्यूरेसी बनी रहे। उन्होंने पी की भी इनिशियल स्पीड को 10^7 ही माना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई क्यू इस लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस लेफ्ट टू बी ट्रेवल बाई पी। इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या आएगा, x/10^7 इक्वल टू log y/10^7। इस लॉग को हम नेपियर्स लॉग बोलेंगे। तो एक्स क्या है, डिस्टेंस जो कि पी के द्वारा कवर करना भी बाकी है, और वाई क्या है, डिस्टेंस जो कि क्यू ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इस मैथमेटिकल इक्वेशन को आप ध्यान से नोट कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, यह वही है जो कि मैंने अभी आपको कहा था बस मैथमेटिकल फॉर्म में। अब मैं अपने मन से लॉग की जगह पर 1/e रख दूंगा। हालांकि उस समय तो एक्चुअल में ई इन्वेंट भी नहीं हुआ था, यह हमने अपने मन से रखा है। ऐसा हमने मान लिया है कि 1/e लॉग के बराबर होता है। आगे जाकर हम ये क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि हमारी ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। एक और चीज, उस समय तक कैलकुलस इन्वेंट नहीं हुई थी तो नेपियर की लॉगरिथम एप्रोक्सीमेशन टेबल में हमको एक्स और वाई में ये रिलेशन देखने को मिलता है x/10^7 इक्वल टू 1 - 1/10^7 की होल पावर वाई। इसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इसी इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से लिखेंगे। पावर वाली टर्म में हम 10^7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये दूसरी वाली इक्वेशन को देखिए, हम चाहें तो 10^7 और 10^7 को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक अलग फॉर्म में बना रहे हैं। तो ये जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है इसको हम नेपियर लॉग भी कह सकते हैं। अब अगर आप ई के बारे में काफी अच्छे से जानते हो तो आप एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन के बारे में भी जानते होंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1+x/n इक्वल टू e^x। यह रिलेशन कैसे आई, ये नेपियर के टाइम के बाद आई थी, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अब अगर आप इस रिलेशन में x की जगह पर -1 रख दो तो राइट हैंड साइड पर आपको मिलेगा e^-1 जिसको हम 1/e भी लिख सकते हैं। अब n की जगह पर 10^7 रख दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 1 - 1/10^7 की होल पावर 10^7, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1/e। और इसको आप ध्यान से देखिए, यह वही इक्वेशन है जो नेपियर के लॉगरिथम में बेस का काम कर रही है। इसकी जगह पर आप 1/e भी लिख सकते हो। तो अगर नेपियर की इस वैल्यू को हम लॉग का नाम देते हैं तो वह अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी 1/e के। देखिए कितना अमेजिंग। और यही रीजन है कि नेपियर के वर्क में पूरी मैथमेटिकल हिस्ट्री में पहली बार ई का अपीयरेंस हुआ है, और उनको नेचुरल लॉगरिथम्स को इन्वेंट करने के लिए टोटल क्रेडिट भी दिया जाता है। हालांकि उनको यह भी नहीं पता था कि ई क्या होता है, उन्होंने कभी भी इसको नहीं देखा, ना ही इसके बारे में कभी सुना। ई के बारे में तो हमको बाद में पता चला, और हमको बाद में ये भी पता चला कि 1/e नेचुरल लॉग के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स ये सब कैसे हुआ, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे नेपियर्स ई के बारे में जानते भी नहीं थे फिर भी उनकी लॉगरिथम ई के संग अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड थी। खैर इस वीडियो का मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आई है तो आप इसको दोबारा जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स यह सप्ताह की वीडियो में आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएं।